सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। भागवत में भी पूछा राजा परीक्षित ने, मैं क्या करूं जिससे मेरा ये पाप हट जाए, जो मुझे लग गया है महात्मा के गले में सर्प डालकर, जो मैंने ब्राह्मण हत्या ले ली, जो ब्रह्म हत्या कर दी, जो पाप कर दिया, मैं कैसे मुक्त हो जाऊंगा इससे। तब भगवान सुखदेव जी ने कहा, सत्यम कर्मम भूषणम यथा भागवतम च। भागवत रूपी सत्कर्म कर लो, तुम इस पातक से मुक्त हो जाओगे। आज ये मौका आया, महाभागवत देवी पुराण हमारे ब्राह्मण परिवार ने, राजेश जी ने अपने परिवार, अपने माता पिता के कल्याण की भावना से, उनकी इच्छा को देखते हुए आज ये परायण नवरात्रि के परम पावन पुण्य समय में हो रहा है। तो अवश्य आपके पितरों को जीवित और मृत ये कथा तारने वाली हो, उबारने वाली हो, और संकल्पनाएं सब पूरे हों, सपने पूरे हों आपके। आप सहृदय से कथा का श्रवण करें। जन्मजय महाराज चिंता लेके घूम रहे हैं। एक जगह कथा चालू हो गई है देवी भागवत, कहां चालू हो गई? सूत जी के आश्रम में ऋषि मुनि सुन रहे हैं। अब दूसरी जगह यजमान परीक्षित जी के पुत्र जन्मजय महाराज बेचैन होके घूम रहे हैं। किसी ने कह दिया, उन्हें डरा दिया, तुम्हारे पिता भटक रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता को सांप ने डसा, उनकी मृत्यु सांप के डसने से अकाल मृत्यु आई है, अपराध पाप से उनका मरण आया है, इसीलिए तुम्हारे पिता को शांति सदगति नहीं मिलेगी, और तुम्हारे होते हुए सदगति न मिले तो पुत्र का होना व्यर्थ है। तपुत्रम यथागति पित्राणाम सर्वे पुण्यम भवेत। लड़कियों से संतोष क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पुराणों में लड़के का महत्व ज्यादा लिख दिया व्यास जी ने, इसीलिए लड़की के प्रति श्रद्धा कम, लड़का चाहिए। आज का युग थोड़ा बैलेंस हो रहा है, अभी लड़की हो जाए तो भी लोग संतोष रखते हैं, अभी थोड़े थोड़े सुधर रहे इस मामले में, पर प्राचीन सभ्यता, यह परंपरा पौराणिक सभ्यता, हमारा मध्यकालीन जो धर्म है, जो परंपरा है महात्मा संतों की, उसमें पुत्र की महिमा तो है, पुत्र की महत्ता तो है, पुत्र को जगह ज्यादा मिली है, कन्या को जगह कम मिली है, क्योंकि पितरों को अंतिम 16वां संस्कार करने का अधिकार पुत्र को दिया गया है। तो पुत्राणाम यथा मूलम क्लवेश स्मरा कृतवेश स्मरा कृतगुम स्मरा, यजुर्वेद का 36वां अध्याय का ये 16वें संस्कार का मंत्र है जो शमशान में पढ़ा जाता है। भस्मांतम शरीरम कृतो स्मरा क्लवेश स्मरा कृतगुम स्मरा, समस्त स्मृतियों को भूल कर जो चला गया उसके शरीर को अग्निदान करो। अग्निदान, अग्निदान का मतलब पुनः निर्माण करो उसको। कौन करेगा? तो कहा पितरम गते भूतानाम यथा पुत्र समर्पितः, संपूर्ण तन मन धन से पुत्र समर्पित हो जाए अपने माता पिता पितरों के लिए, तो वो जीवित या मृत माता पिता को मुक्त कर देता है अपराध से, तार देता है। है जी, बड़ा मुश्किल है, कथा थोड़ी है समझने जैसी, और प्रयत्न भी किया जाना चाहिए पुत्र बनने का, उसमें क्या बात है? है किसी औरत के पेट में से नर पैदा हो गया, वो पुत्र नहीं होता है, वो तो लिंग से नर है, पर पुत्र बनने के लिए उसे बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो पुत्राणाम यथा गति, कौन है पुत्र? तो पुत्र कौन है? परीक्षित पुत्र हैं, और परीक्षित के पेट से पैदा हुआ महाराज राजा जन्मजय भी पुत्र की उपाधि से नवाजा गया है। ये पुत्र है ना, ये उपाधि है, पुत्र पैदा नहीं होता किसी के पेट से। जैसे कलेक्टर पैदा होता नहीं बनता है, इंस्पेक्टर पैदा होता नहीं बनता है, साधु पैदा होता नहीं बनता है, टीचर पैदा होता नहीं बनता है, ब्राह्मण पैदा होता नहीं बनता है, ऐसे ही पुत्र पैदा नहीं होता, बनता है, बनेगा तब पुत्र बनेगा। पेट से तो एक ही चीज पैदा होती है, वेद का मंत्र जन्म ना जायते शूद्र संस्कारम दुजुच्यते वेद पाठम भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से तो शूद्र पैदा होता है, टीचर पैदा नहीं होता कोई,
कलेक्टर पैदा नहीं होता कोई, कलेक्टर कब बनता है तो कहा द्वितीय जन्म होता है। दूसरा संस्कारम द्वज उच्चते, दूसरा जन्म संस्कार का जब पैदा होगा तब वो पुत्र पुत्रियां बनेगा महाराज। इसीलिए आज की कथा में सबसे अनुरोध है, जिनके हो गए 2-3-4 साल के घूम रहे वो भी पुत्र बना सकते हैं, और जिनका अभी होना बाकी है, जिनकी शादी भी बाकी है, वो पहले से ही तैयारी कर सकते हैं पुत्र पैदा करने के। कहां से मिलेगा ज्ञान? तो महाराज इंद्र देवेश्वरानंद के पास में आकर सीखना पड़ेगा ये ज्ञान। क्यों? न तो ज्ञान विज्ञानों तद पुरुषो न पुत्र। 16 संस्कार होते हैं, पहला संस्कार गर्भाधान होता है। कर्म कांड में पंडित में संस्कार नहीं किए जाते, शांति की जाती है, हवन किए जाते हैं, ब्याह किया जाता है, मरण किया जाता है, नामकरण किया जाता है, मुंडन किया जाता है, चूड़ामण किया जाता है, समावर्तन नहीं होता, जाति कर्मण नहीं होता, पुंसवन नहीं होता, सीमांत नयन नहीं होता, गर्वादान नहीं होता, इतने संस्कार नहीं होते। कौन कौन से संस्कार होते हैं? नामकरण होता है, चूड़ामण होता है, समावर्तन, विद्या आरंभ संस्कार नहीं किया जाता, और विद्या आरंभ संस्कार नहीं होता इसीलिए वो प्रकांड पंडित नहीं बनता, विद्वान नहीं बनता, अर्जुन नहीं बनता, और वो कृष्ण भी नहीं बनता। अर्जुन कृष्ण बनना पड़ता है। क्षत्रिय के घर में पैदा हो गए तो क्या फर्क पड़ता है? संस्कार तो सबको लाभ देते हैं। कृष्ण ब्राह्मण बन गए, कब बन गए ब्राह्मण? जब यज्ञोपवीत धारण कर लिया, जनेऊ पहन लिया, और ब्राह्मण के सानिध्य में पढ़ने चले गए, ब्रह्मचारी को धारण कर लिया और वेद ज्ञान लेने लगे, सांदीपनी ऋषि से ब्राह्मण के स्वरूप में आ गए, तो बाद में भगवान बन गए हो। तद ब्राह्मणम लक्षिता तद भग योग पुण्यम परमार्थम तद गति नाम सिद्ध पुरुष मेधानाम सद ब्राह्मण। ब्राह्मण कितनी बार बनो, पंडित कितनी बार बनो, पर उसके लिए किसी अच्छे ऋषि के पास जाकर वीर को रोको, तप करो, जप करो, छाती फुलाओ, गाल फुलाओ, बाल फुलाओ, और फिर जाके पंडित बनो, और फिर आप सब कुछ बन गए। एक बार ब्राह्मण बन गए तो फिर कुछ नहीं बनना पड़ता, अलग अलग सब बन गए। तद ब्राह्मणम लक्षणम, इसीलिए तो ब्राह्मण को बना बड़ा माना जाता है, ब्राह्मण को इसीलिए तो पूजनीय माना जाता है। एक बार ब्राह्मण बन गए तो सब बन गए, फिर अलग अलग नहीं बनना पड़ता। अब ये 80-60 साल के बैठे, अब ये बोलेंगे महाराज अब कैसे ब्राह्मण बने, ये तो प्रथम अवस्था है। आप चिंता मत करो, 2 बार ब्राह्मण बनने का चांस आता है जीवन में, 1 बार आता है विद्या काल 5 वर्ष से 25 वर्ष, और 1 बार आता है अंतिम वृद्ध अवस्था, जरा अवस्था, जब सुषुप्त होने लगती है इंद्रियां, बाल तुम्हारे जब रज होने लगते हैं, जरा व्याधि में फंसने लगते हैं, दांत हिलने लगते हैं, कमर जर्जर हो जाती है, पूरा शरीर असमर्थ होने लगता है, कच्चे चना को चबाने की ताकत नहीं बचती, तब भी मौका है। उस समय भी अगर कोई ब्राह्मण बन जाता है तो वो ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। गति ब्रह्मम सदा भूतम यथा योगे संन्यासम, अंतिम संन्यास की दीक्षा जरूर ले लो। जो 60-70 साल के हो गए ना, वो सन्यास की तरफ बढ़ो। अब ब्राह्मण नहीं बन सकते, कोई बात नहीं है, वानप्रस्थ लेके स्वाध्याय कर सकते। ब्राह्मण बनने का मतलब क्या है? ब्राह्मण बनने का मतलब है स्वाध्याय करना, ब्रह्म की आज्ञा का पालन करना, ये ब्राह्मण का काम है, यही वानप्रस्थ का काम है, परमात्मा की आज्ञा में रहना और स्वाध्याय करना। वानप्रस्थ अस्थम प्रस्थ, जो बाण प्रस्थ लेकर स्वाध्याय शास्त्र का कर लेते हैं उनके जीवन में कभी भी सुख का अस्त नहीं होता, सूर्य अस्त नहीं होता। जीवन में सूर्य अस्त नहीं देखना है तो 1 बार जरूर भगवान के हो जाओ।